हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ प्राची तिवारी फ्रॉम इनफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 12 जून 2020 और 12 जून 2020 के करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम वो भी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रत्यायनन दिवस कब मनाया गया? इसका सी ऑप्शन सही है, 9 जून। 9 जून को विश्व प्रत्यायनन दिवस मनाया गया। इसकी इस बार यानी कि 2020 की थीम थी एग्रीडेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया? इसका बी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी जल्दी में ही पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। ये क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी विकास खंडों में पार्क व उद्यान बनाए जाने के संदेश दिए गए हैं, जिसमें बैठकर बुजुर्ग लोग यानी वरिष्ठ लोग अपना मनोरंजन कर सकते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरी गंगा नेशनल पार्क है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मुख्यमंत्री शहरी ग्रामीण योजना लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने फेसबुक का इस्तेमाल दोबारा शुरू किया है? इसका सी ऑप्शन सही है, म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा और यहाँ की सेना ने अभी दोबारा से ही फेसबुक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसर की स्थापना की? इसका सी ऑप्शन सही है, उड़ीसा यानी ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी जल्दी में ही मेगा शैक्षिक परिसर की स्थापना की है। इसमें आदिवासी बच्चों के लिए शैक्षिक परिसर बनाया गया है जिससे वे अपनी पढ़ाई लिखाई जारी कर सकें। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक कैंपस में 3000 बच्चे एक साथ रह सकते हैं। और अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर अभी जल्दी में ही वंदे उत्कल जननी को जल्दी में ही राज्य गान के रूप में मान्यता दी गई है। और यहाँ हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक और यहाँ पर जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई है। यहाँ के सीएम यानी नवीन पटनायक को हीरो ऑफ द एनिमल का अवार्ड जल्दी में ही पेटा नामक संस्था ने दिया है। और उड़ीसा में सतकोरिया टाइगर रिजर्व है, सिंपली पाल नेशनल पार्क है और यहीं पर चिल्का लेक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ की जो वेलर द्वीप है उसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम के नाम से रख दिया गया है। ये इतने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उड़ीसा से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारी मुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका डी ऑप्शन सही है, 4 साल। AIU ने अभी जल्दी में ही एथलीट गोमती मारी मुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य खाद्यान्न सुरक्षा सूचकांक पर शीर्ष पर रहा है? इसका बी ऑप्शन सही है, गुजरात। गुजरात खाद्यान्न सुरक्षा सूचकांक पर शीर्ष पर रहा है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ के सीएम हैं विजय रूपाड़ी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सी ऑप्शन सही है, 25%।
अभी जल्दी में ही केंद्र सरकार ने जो बांस पर आयात सीमा शुल्क लगता था उसको बढ़ा करके 25% कर दिया था। पहले ये 15% था, फिर 10% अभी गवर्नमेंट ने जल्दी में बढ़ा दिया, अब ये 25% हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? इसका सी ऑप्शन सही है, हरा। अब BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर BS6 की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है भारत स्टेज 6। इसका उद्देश्य है पूरे देश में प्रदूषण को कम करना और वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा डिस्टेंसिव सर्विस में मेडल से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका बी ऑप्शन सही है, रंजीत कुमार। रंजीत कुमार को नासा डिस्टेंसिव सर्विस में जल्दी में ही मेडल देकर के सम्मानित किया गया है। अगर नासा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये इसका मोटो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों का पुनर्निर्माण कराने की घोषणा की है? इसका सी ऑप्शन सही है, 56। यानी भारत सरकार ने 56 नेपाली स्कूलों का पुनर्निर्माण करवाने की घोषणा की है और ये कार्य करवाने की जिम्मेदारी है विजय मोहन क्वात्ता की, जो कि नेपाल में भारत के राजदूत हैं। और नेपाल की बात करें तो इसकी राजधानी है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन लेसियंस लिविंग फॉर अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका बी ऑप्शन सही है, शोभा डे ने अभी जल्दी में ही ये बुक लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सी ऑप्शन सही है, डेनमार्क। अभी जल्दी में ही भारत सरकार ने बिजली के सहयोग के लिए डेनमार्क से सहयोग लिया है। अब डेनमार्क की अगर बात करें तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की भाषा है डेनिश और करेंसी है डेनिश क्रेना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने COVID-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मूलेशन बनाया? इसका ए ऑप्शन सही है, DIAT। DIAT ने COVID-19 से बचने के लिए अनन्य फॉर्मूलेशन बनाया है। DIAT की फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और ये जो अनन्य फॉर्मूलेशन है ये है जल आधारित कीटाणु नाशक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है? इसका सी ऑप्शन सही है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है और इस समय उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं किंग जोन उन, जो कि अभी कुछ समय पहले ही बहुत ज्यादा चर्चा में थे। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका बी ऑप्शन सही है, NCERT। NCERT के साथ में रोटरी इंडिया ने अभी जल्दी में ही समझौता किया है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने आपको बता दिए। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उससे पहले हम कल का आंसर आपको बताएंगे। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया? तो इसका ए ऑप्शन सही था, कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी जल्दी में ही मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया था। इसके माध्यम से जनता को बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे आने से पहले उनको अलर्ट जारी करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है?
इसके चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुन के आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपके जितने भी डाउट्स हैं उसे आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।